दोस्तों जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट से बुल रन के संकेत मिल रहे हैं, वैसे वैसे सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी अपने नंबर्स को बढ़ाने और लॉन्चिंग डेट को फिक्स करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कैंडी पॉकेट की माइनिंग एप्लीकेशन की, जिसको हम सभी लोग पिछले करीबन 2 महीने से माइन कर रहे हैं। इसको लेके अभी हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें ऑफिशियल इन्होंने अपनी लॉन्चिंग डेट और KYC शुरू होने की डेट भी बताई है। इसलिए सबसे पहले अगर आपने इस एप्लीकेशन को माइन करना शुरू नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट भी आपको बढ़िया रिटर्न देते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, और क्या। चलिए दोस्तों सीधा कैंडी पॉकेट के ट्विटर पेज पर चलते हैं, जहां पर आपको अपडेट बताई गई है। अभी हाल ही में करीबन 3 से 4 दिन पहले ट्विटर पर कैंडी पॉकेट की टीम ने एक ट्वीट किया था, जिसमें बताया गया था कि इसी साल 1 जून से पहले KYC की प्रोसेस शुरू होने जा रही है। इसके अलावा ये उससे पहले ही 1 बिलियन टोकन माइन होने का एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं, और इसमें सभी यूजर्स को लगातार माइन करने को बोल रहे हैं। जिस तरह से सभी कैंडी पॉकेट की माइनिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मई में 20 तारीख तक इसके 1 बिलियन टोकन माइन हो जाएंगे। और इनका कहना भी यही है कि जैसे ही ये 1 बिलियन टोकन को माइन कर लेंगे, वैसे ही ये कैंडी मेटावर्स को लॉन्च कर देंगे, जहां से लोगों को सीधे कैंडी NFT माइन करने को मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ ये कैंडी पॉकेट भी लिस्टिंग वैल्यू भी फिक्स कर पाएंगे, जिसके कि इसके टोकनॉमिक्स पर कोई असर ना पड़े। वैसे मैं इनका रोड मैप आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हमने माइनिंग शुरू की थी, लेकिन तब इसका हाइप उतना नहीं था, पर अभी ये प्रोजेक्ट उतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रिटर्न जरूर देगा। दोस्तों मेरी बात इनकी कोर टीम से हुई है, इन्होंने बताया है कि इसी साल के लास्ट में ये कैंडी टोकन को डेक्स पर लिस्ट करेंगे और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि मार्च तक इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ले जाएंगे। वहीं ये प्राइस बताएंगे तो बाद में, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका प्राइस 1 सेंट के आसपास हो सकता है, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा है जी हां, क्योंकि अगर आप इसको अभी माइन करना शुरू करते हैं तो आराम से साल के लास्ट तक 2000 से 3000 टोकन्स को तो आप ऐसे ही माइन कर लेंगे, और इसके अलावा अगर आप रेफरल करके अपनी टीम बनाते हैं तो आपकी माइनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और साथ में आपके पास और भी ज्यादा टोकन्स आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों माइनिंग प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो, अब आगे से एक बात याद रखिएगा, अपने नाम को सही सही पुट करें, अपने पासवर्ड को याद रखें और साथ ही वॉलेट का पास फ्रेज भी कहीं लिख रखें, ताकि जैसे हालात आज पाई माइनर्स के हो रहे हैं, वो बाद में और किसी प्रोजेक्ट में भी किसी को ना देखने पड़े। इसलिए अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर हमेशा याद रखें और पासवर्ड भी कहीं संभाल कर रखें। खैर बात करें इनके नोटिफिकेशन की, तो इन्होंने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने C2C अपडेट का नाम दिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 जून से पहले हम इसी साल लोगों की KYC की प्रोसेस को शुरू करके साल के अंत तक खत्म करना चाहते हैं, ताकि जैसा असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है वैसा असर हमें ना देखना पड़े और KYC की वजह से किसी भी प्रोसेस में कोई भी देरी ना हो। इसके लिए जरूरी होगा कि अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद मॉडरेटर से बात करके अपने सारे कंफ्यूजन्स दूर कर लें और साथ ही कैंडी पॉकेट पर अपना भरोसा बनाए रखें। दोस्तों अगर आप मेरी बात करें तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर उतना ही भरोसा है जितना अवीवे और बॉन्डेक्स पर, और उसका रीजन है इसका नो एड्स फॉर्मूला। इन्होंने अभी तक अपनी ऐप को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखा है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट ऐप पर नहीं है, और साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं चलता है जिससे माइनर्स इरिटेट हों। इस बात का माइनर्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब आपको याद होगा कि पहले पाई नेटवर्क पर भी डेली माइनिंग ऑन करते वक्त एक विज्ञापन आता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा यूजर्स बढ़ते गए और माइनर्स उससे इरिटेट होने लगे, जिसकी वजह से पाई की माइनिंग रेट में गिरावट आई और डेवलपर्स को ऐड को या तो छोटा करना पड़ा या फिर थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा। इस तरह बार बार कोई भी दिक्कत आती है तो डेवलपर्स उसको लेके सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की दिक्कत को दूर ना करना यूजर्स को उस प्रोजेक्ट के लिए डीमोटिवेट करता है, फिर चाहे प्रोजेक्ट अच्छा ही क्यों ना हो। ऐसे में हम कोर के साथ देख चुके हैं, पिछले साल उसकी लिस्टिंग होने वाली थी लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से उन्होंने यूजर्स की डिमांड पर ध्यान नहीं दिया, और अब लिस्टिंग के टाइम पास आने पर मार्केट भी बियरिश मोड में चला गया है, जिसकी वजह से कोर की टीम को और इंतजार करना पड़ा। और आखिर इस साल जाके कोर लॉन्च हुआ, और इस बीच वो लोग हैरान हो गए जिन्होंने कोर की माइनिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं तो आपको समय समय पर अपडेट ही करता रहता हूं, इसीलिए आपकी भी ड्यूटी है कि आप समय पर माइनिंग को डेली शुरू करें, और सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है यार, इसमें इतना क्या परेशान होना। तो चलो ये थी कैंडी पॉकेट की अपडेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, और
अगर पता नहीं है कि कैसे ज्वाइन करना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करोगे तो इस वीडियो पर पहुंच जाओगे जहां आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है, ALT सीजन शुरू हो चुका है, इसीलिए अगली वीडियो में बात करेंगे उस साइंस पर जो आपको इसी साल 5 से 10 गुना का प्रॉफिट एकदम देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए चैनल से जुड़े रहना और टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलेगा। वहीं अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आगे बातें कर लो यार, सब बता दूंगा मैं। चलो मिलूंगा आपसे अगली ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ। चलिए बाय बाय।